वेलकम टू सुमित झोपड़ी। आज हम आपके लाए हैं 3 BHK फ्लैट, बहुत लग्जरी फ्लैट है और 30x30 में लाए हैं, एल टाइप कॉर्नर में फ्लैट लाए हैं। इतना बढ़िया फ्लैट है, आप खुद देखेंगे आपको लगेगा कि हम फ्लैट देख रहे हैं, बढ़िया फ्लैट देख रहे हैं, इतने बढ़िया लग्जरी वर्क के साथ देख रहे हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में देख रहे हैं। ज़्यादा प्राइस भी नहीं देंगे इसमें, एल टाइप कॉर्नर देंगे, नीचे स्ट्रीट पार्किंग देंगे, बहुत ही बढ़िया पार्किंग के साथ 30x30 का फ्लैट है। किचन का साइज देखेंगे, इतना बढ़िया रूम साइज देखेंगे, इतने बढ़िया वॉशरूम के साइज, बहुत ही अच्छे। आप देखना हमारी वीडियो पोर्शन से लेके एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली बात, टोटल प्रॉपर्टी हमारी लोनेबल प्रॉपर्टी है, इस पर लोन भी मिलेगा आपको, लोन लेना चाहेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, लोन भी इजली आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप लोन लेना चाहें जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायरमेंट के फ्लैट देखना चाहें, इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नीचे कमेंट बॉक्स में रिक्वायरमेंट बतानी है। सबसे पहले क्या करना है, वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन में जाके ऑल पे प्रेस करना है, जिससे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन हमारे आपके पास आएंगे, आप अच्छे अच्छे वीडियो देखेंगे और वीडियो देख के अपने रिक्वायरमेंट के साथ फ्लैट ले सकेंगे। फ्लैट लेने के लिए नीचे रिक्वायरमेंट में कमेंट बॉक्स में अपने रिक्वायरमेंट बताएं और इस नंबर कॉल भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट बताने के लिए 9891556060। इधर विजिट कर सकते हैं सुमित प्रॉपर्टीज, 8/11 तिलकनगर न्यू दिल्ली 18 नियर हल्दीराम, हल्दीराम 4 बिल्डिंग छोटे फिफ्थ बिल्डिंग ऑफिस है, वहाँ के आप विजिट कर सकते हैं, फ्लैट देख सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। और अब क्या करते हैं, आप चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। अपनी बार बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं लोकेशन की बात करें, रोड इधर से भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया रोड है और इस साइड भी देखेंगे रोड, देखेंगे कितनी बढ़िया रोड है। इसके साथ जैसे कि हम बताया एल टाइप कॉर्नर है, साथ में गली भी देखेंगे कितनी बढ़िया है। इसके साथ ही साइड के ऊपर दिखाते हैं आपको एलिवेशन की बात करें, कितना बढ़िया एलिवेशन है, उसका देख सकते हैं कितने बढ़िया डिजाइनिंग के साथ है। और यहाँ पर फ्रंट का देखेंगे कि कितना बढ़िया एलिवेशन है, आप खुद देखेंगे ऊपर से नीचे कितना बढ़िया एलिवेशन लग रहा है, फ्रंट पर लाइट्स है सारी कितनी बढ़िया। और इसके साथ ये देखेंगे हमारा डोर आ गया, पूरा डोर देखेंगे कितना बढ़िया डोर है, पूरा देखेंगे कितना बढ़िया डोर लग रहा है, डिजाइनिंग देख सकते हैं डोर भी इतनी बढ़िया, उधर भी गेट दिया हुआ, इधर भी गेट दिया हुआ है, आराम से 30x30 की फ्लोर है, 30 फ्रंट है, आराम से आपकी कार अंदर जाएगी, इसलिए आपकी गाड़ी लगेगी, कोई इशू नहीं आएगा। अब चलते हैं आपको लेके अपने फ्लैट पर, आइए चलते हैं फ्लैट। ये देखिए हम अपने फ्लैट के बाहर लॉबी में पहुंच चुके हैं, लॉबी की बात करेंगे, लिफ्ट की बात करेंगे, ओटिस कंपनी की लिफ्ट है,
जिसका वर्क चल रहा है। साइड पे देखें पूरी हमारी यहाँ पर टाइल्स आ जाएंगे, लिफ्ट की लॉबी है ये हमारी। इसके साथ ही डोर की बात करें कितना बढ़िया डोर लगा हुआ है, ग्रुप देखे डिजाइन देख सकते हैं, आई लगी हुई है, कौन आया कौन नहीं आप देख सकते हैं। उसके बाद लॉक खोल सकते हैं, हैंडल लॉक देखें रोज गोल्ड के लॉक्स हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। आप चलते हैं अंदर, ये हम अंदर आ चुके हैं, अंदर देख सकते हैं ये बाहर आ गया बिल्कुल एंट्री करके। यहाँ पर ड्राइंग की बात करें स्पेस देख सकते हैं, ड्राइंग डाइनिंग का कितना बढ़िया स्पेस दिया हुआ है हमने, और इसके साथ ही वॉल पे डिजाइनिंग देख सकते हैं कितनी बढ़िया डिजाइनिंग है। साइड पे डूवर्स हैं, सेंटर में टाइल्स हैं, बीच में हमारी पट्टी दी हुई कितनी प्यारी लग रही है टाइल्स, दोनों साइड पे डूवर्स हैं, यहाँ पर भी लाइट्स आ जाएंगे आपकी कितनी बढ़िया डिजाइनिंग के साथ। इसकी साथ फॉल सीलिंग की बात करें कितनी बढ़िया फॉल सीलिंग है, सेंटर में देखें ग्रे कलर का कलर करके कितनी बढ़िया डिजाइनिंग के साथ। साइड में देखें प्रोफाइल लाइट ऑफ लाइट कितनी बढ़िया, और साथ में सीओवी लाइट कितनी प्यारी लग रही है आपको देख सकते हैं लाइटिंग। और नीचे की फ्लोरिंग की बात करें पूरा आपको लगा है टाइलिंग मार्बल है, इतना बढ़िया फ्लोरिंग है आपको देख सकते हैं, फ्लोरिंग कितनी बढ़िया की हुई है इसमें। इसके साथ ये आ जाता है हमारा एलईडी पैनल, यहाँ हमारा एलईडी आ जाएगा, उसका सॉकेट आ जाएगा, नीचे डबल सॉकेट दे रखी है, एक में टाटा स्काई ये सेटअप बॉक्स रख सकते हैं, सेकंड में वाईफाई या होम सेंटर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने डेकोर के आइटम रख सकते हैं, छोटा मोटा सामान रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसके साथ ही ड्राइंग रूम के साथ आपको दिखाते हैं हमारी आ जाती है बालकनी, बालकनी में चलते हैं, ये यूपीवीसी का डोर है, पूरा टफन ग्लास का डोर है आपको देख सकते हैं, प्लस इसके बाद जाली लगाई है वेंटिलेशन के लिए, साउंड प्रूफ डोर रहता है आप खुद देख रहे हो, ये जाली है वेंटिलेशन के लिए, ये हवा पानी आने के लिए जैसे आपके व्यूज में हो। बाहर बालकनी देख सकते हैं कितनी बढ़िया बालकनी दी हुई है, पूरी टाइल्स लगी हुई है आप खुद देख रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर पूरी टाइल्स आपको देख सकते हैं, ऊपर पर रूफ देख सकते हैं टाइल्स लगी बढ़िया, लाइट्स लगी बढ़िया, आपको लाइट जला के दिखाते हैं कितनी बढ़िया व्यू आएगा, दोनों साइड लाइट्स आ रही है कितनी बढ़िया लग रही है आप खुद देखेंगे। ये हमारा आगे जो अटैच वॉशरूम है उसके साथ का एग्जॉस्ट फैन आ जाएगा यहाँ से बाहर, ये टैप और ये हमारा सॉकेट आ गया, जो वॉशिंग एरिया फ्रंट पर भी बना सकते हैं, एल टाइप कॉर्नर है, साइड पर दिया हुआ है बालकनी, ये वाली और भी है लेकिन हम दिखाएंगे अपने बेडरूम के साथ। आइए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं हम फर्स्ट बेडरूम, बेडरूम देखेंगे, उससे पहले डोर दिखाते हैं कितना बढ़िया शाइन मारता हुआ, इससे देखते हैं कितने बढ़िया डिजाइनिंग का डोर होता है रोज गोल्ड के हैंडल्स के साथ। अब चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में, आइए ये देख सकते हैं हमारा फर्स्ट बेडरूम है, नीचे की फ्लोरिंग की बात करें कितनी बढ़िया फ्लोरिंग आप कुछ देखेंगे, वुडन टाइल्स है, वुडन फ्लोरिंग नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ वुडन फ्लोरिंग चलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम वुडन टाइल्स लगाते हैं, रहती वैसे ही है जैसे कि वुडन हो, और हमेशा इसलिए कि वॉशेबल रहेगी, कभी भी आप पानी से धो जैसे मर्जी वॉश करेंगे वॉशेबल रहती है। इसके साथ ही हमारा आगे स्प्लिट एसिंग फिटिंग आ गई है, ऊपर की सीलिंग देखेंगे कितनी बढ़िया फॉल सीलिंग है, सेंटर में फैन है और प्रोफाइल लाइट है, सीओवी लाइट्स हैं कितनी प्यारी लग रही है आप खुद देख सकते हैं। के नीचे आ जाएंगे तो ये हमारा आ गया एलईडी पैनल, ग्रुप देखिए कितना बढ़िया एलईडी पैनल, साइड पे दो प्रोफाइल लाइट्स है दी, ये हमारी गेट आ गई है, स्विचेस आ गए एलईडी के स्विचेस है सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एलईडी आएगा, उसका सॉकेट यहाँ आ गया, नीचे डबल सॉकेट दिया हुआ है, एक में टाटा स्काई सेटअप बॉक्स लगा सकते हैं, सेकंड में आप होम सेंटर या वाई फाई लगा सकते हैं, और छोटे मोटे रिमोट्स वगैरह छोटा मोटा सामान होता है उसकी स्टोरेज के लिए हमने स्पेस दिया हुआ है आपको देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा होगा। इसके साथ ही हमारा आ गया ड्रेसिंग, ड्रेसिंग की बात करेंगे अंदर की स्टोरेज देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्टोरेज है, बाहर लुकिंग मिरर लगा हुआ कितना प्यारा लुकिंग मिरर लग रहा है, और वेंटिलेशन की बात करेंगे तो सीधा वेंटिलेशन आप देख सकते हैं बाहर आ रहा है, इसमें बिल्कुल वेंटिलेशन बाहर है जैसे कि हमने बालकनी से आपको दिखाया था अभी। अब दिखाते हैं इसके बाद हम क्या अपनी वार्डरोब, ये देख सकते हैं वार्डरोब बनी हुई हमारी कितनी बढ़िया वार्डरोब है, सेंटर में हैंगिंग रॉड्स है, इसमें क्लोथ्स वगैरह हैंगिंग हो जाएंगे, नीचे एक ड्रॉअर आ गया जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, कीमती सामान रख सकते हैं, उसमें दिया हुआ उसके नीचे भी स्पेस है, पूरा स्पेस देख सकते हैं, बाहर से वार्डरोब देख सकते हैं, साइड से व्हाइट कलर का मैकअप कितना प्यारा लग रहा है, और दिखाते हैं अटैच वॉशरूम देखिए, उसके बाहर की चौकट देखेंगे टाइल्स कितनी बढ़िया लग रही है, और टफन ग्लास का डोर है जो कभी खराब नहीं था, मर्जी पानी है जैसे मर्जी यूज करें आप। इसके साथ ही हमारे वॉशरूम में ड्राई मैट भी हमने सेपरेट कर दिया बिल्कुल आप देख रहे होंगे नीचे, और टाइल्स की बात करें कितनी बढ़िया टाइल्स लगी बढ़िया कलरफुल टाइल्स है आप देख सकते हैं ग्रे कलर कितनी बढ़िया है, और फिटिंग्स की बात करेंगे हिंदवेयर की फिटिंग, हिंदवेयर का डिवाइडर, हिंदवेयर की टैप, हिंदवेयर का शावर है कितना बढ़िया है, और यहाँ आएगी हमारी पुश वॉल सीट जो कि वॉल के अंदर फिक्स रहती है मशीन, वॉल आएगी जो कि वॉल के अंदर फिक्स आएगी मशीन, और ये देख सकते हैं टाइल्स के डिजाइन देखेंगे कितना बढ़िया डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ चाहे तो आर्टिफिशियल फ्लावर या आर्टिफिशियल प्लांट्स रख सकते हैं बहुत अच्छे लगेंगे। गीजर के इनपुट आउटपुट आ गए, ये स्विच आ गया, सॉकेट आ गया एलईडी का, ये हमारा लुकिंग मिरर आ गया, यहाँ हमारी वैनिटी बनेगी, वॉश बेसिन आएगा यहाँ पर, और वेंटिलेशन की बात करेंगे सीधा बाहर वेंटिलेशन, जैसे ही हमने बाहर से आपको दिखाया था वेंटिलेशन सीधा बाहर जा रहा है यहाँ से। अब चलते हैं वॉशरूम से बाहर, आपको दिखाते हैं इस बेडरूम में से सब कुछ दिखाया आपको, अब दिखाएंगे आपको अपना सेकेंड बेडरूम, आइए ये किचन जो आपसे हम ड्राइंग रूम में आ गए, इससे पहले दिखाते हैं अपना कॉमन वॉशरूम, ये देख सकते हैं कॉमन वॉशरूम का भी डोर देखेंगे कितना बढ़िया डोर लग रहा है। अब चलते हैं कॉमन वॉशरूम में, इसमें भी हमने
ड्राई बेड एरिया सेपरेट कर रखा है। इसके टाइल्स देखेंगे व्हाइट कलर में कितनी बढ़िया टाइल्स लग रही है, कितना बढ़िया लग रहा है, व्हाइट में बीच में ग्रे का लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा होगा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा पूरा शॉवर पैनल, ये पूरा शॉवर पैनल आ जाएगा और इम्पोर्टेड शॉवर पैनल है, ये नहीं कोई लोकल, इम्पोर्टेड शॉवर पैनल आ जाएगा। टाइल्स देखेंगे ग्रुप देखेंगे कितना बढ़िया वेंटिलेशन, बात करें सीधा बाहर बालकनी में वेंटिलेशन है, बालकनी से भी इसकी दिखाएंगे हम आपको। और टफन ग्लास सेंटर में लगा हुआ है, ये देखिए ग्रे कलर की टाइल्स यहाँ लगा दी हमने, और पूरी देख सकते हैं पुश वॉल सीट है, वॉल के अंदर फिक्स मशीन है, वॉल के अंदर फिक्स सीट भी आएगी आपकी वॉल एंगी सीट। यहाँ पार्टी फ्लावर प्लांट्स देख सकते हैं, गीजर के इनपुट आउटपुट आगे, ये लुकिंग मिरर आगे हमारा नाइट वाला, ये देख सकते हैं ये पूरा लुकिंग मिरर देख सकते हैं। नीचे देखेंगे तो पूरी वैरायटी बनी है, छोटा मोटा सामान रखना आप इसलिए रख सकते हैं। ऊपर ये मार्बल है, यहाँ पर हमारा वॉश मशीन आएगा डिजाइनर, इसके साथ ये कॉमन भी है और अटैच भी दिया हुआ वॉशरूम, ये देख सकते हैं आपको सेकंड बेडरूम के साथ दिखाएंगे। अब लेके चलते हैं इस वॉशरूम से बाहर आपको सेकंड बेडरूम दिखाइए, सेकंड बेडरूम का डोर देखेंगे शाइन बढ़ता ग्रुप के साथ, कितना बढ़िया डोर है आपको देख रहे हैं। अब चलते हैं अंदर सेकंड बेडरूम में, देख सकते हैं सेकंड बेडरूम में, देख सकते हैं स्पेस, देख सकते हैं कितना बढ़िया स्पेस दिया हुआ है। यहाँ हमारा पूरा बेड आएगा 6x6 का सेंटर बेड आ जाएगा, उसके बाद भी यहाँ स्पेस दिया हुआ है, कितना बढ़िया स्पेस दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे तो विंडो ए सी आएगा आपको, ऊपर शॉप देख रहे हैं विंडो ए सी की स्पेस है, और वेंटिलेशन की बात करेंगे तो ये देख सकते हैं विंडो पूरा वेंटिलेशन है सीधा बाहर, कोई दिक्कत नहीं परेशानी वेंटिलेशन की, इतना वेंटिलेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, फुल वेंटिलेटेड फ्लैट है, कॉमनर फ्लैट है, एल टाइप फ्लैट है। इसके साथ फ्लोरिंग देखें, इसमें वुडन टाइल्स दे रखी है हमने, कितनी बढ़िया टाइल्स लग रही है, ये देखेंगे सामने तो कितना बढ़िया एलईडी पैनल लग रहा है आपको देख सकते हैं, और कितना प्यारा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इसमें क्या लगा हुआ है, माइका है या टाइल्स है आप खुद कमेंट करके बताना, या हमारे एलईडी पैनल में टाइल्स है या माइका लगा हुआ है। इसके साथ ही गोल्डन पट्टियाँ दी हुई, कितनी बढ़िया लग रही है, हमारा एलईडी आ जाएगा शॉकेट आ गई इसकी एलईडी की, नीचे डबल शॉकेट है, एक में सेटअप होगा टाटा स्काई इनबॉक्स, सेकंड वाईफाई या होम थिएटर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने रिमोट की आइटम्स रख सकते हैं दोनों साइड, इसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, रिमोट्स वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप सेटअप बॉक्स वगैरह रख सकते हैं। इसके साथ भी हमारी बालकनी है, पूरी बालकनी है गली की, आप देख सकते हैं टाइप की बालकनी है, पूरी टाइप लगी पड़ी, कितनी बढ़िया टाइप है। ये वॉशिंग एरिया आ गया हमारा, जैसे मैंने बोला था फ्रंट पे दिया है, बैक पे दिया हुआ, ये उसकी शॉकेट आ गई है, वॉशिंग मशीन में लगा सकते हैं, बाहर रोड देख सकते हैं कितनी बढ़िया रोड है, दोनों साइड देखेंगे हर तरफ से देखें, मकान इतना बढ़िया बना के दे रहे हैं आपको, इतना बढ़िया फ्लोर जैसे कि हम अपने लिए बना रहे हो। और इसकी बेडरूम की फॉल सीलिंग की बात करें, कितनी बढ़िया फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, वो प्रोफाइल लाइट के डिज़ाइन देखें, कितनी बढ़िया डिजाइनिंग के साथ प्रोफाइल लाइट दे रखी है। इसके साथ जैसे कि हमने बताया कॉमन वॉशरूम भी है हमारा, ये दिखा देते हैं कॉमन और अटैच दोनों है, ये देख सकते हैं वही वॉशरूम है जो कॉमन और अटैच है हमारा, इसलिए आपको डोर खोल के दिखा रहे हैं। जैसे टफन ग्लास बिल्कुल टफन ग्लास डोर दिया है, कभी ख़राब नहीं होता, कभी नहीं टूटता, बहुत बढ़िया डोर है। अब चलते हैं इस बेडरूम से बाहर, आपको दिखाते हैं किचन, लेकिन किचन दिखाते हैं पहले आपको हम बता दें हमारी वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन में जाके ऑल पे प्रेस करना, जिससे सारे हमारे नोटिफिकेशन आपके अच्छे अच्छे आएंगे, आप अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लैट ले सकेंगे। रिक्वायरमेंट कम उतारनी है आपने नीचे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हमारे इस नंबर कॉल कर सकते हैं 9891556069, नहीं तो आप विजिट कर सकते हैं सुमित प्रॉपर्टीज 8 11 तिलक नगर नियर हल्दीराम, मंदिर 4 बिल्डिंग छोड़ के 5th बिल्डिंग में ऑफिस है, वहाँ के आप विजिट कर सकते हैं, फ्लैट देख सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। अब दिखाते हैं किचन, जो कि बहुत ही बढ़िया किचन है, आप किचन का साइज देखेंगे पहले तो कितनी बढ़िया खुली खुली किचन है हमारी, आप देख सकते हैं इसमें। अब दिखाते हैं इसके नीचे की पहले स्टोरेज, ये देख सकते हैं हम नीचे टोटल मार्बल का पार्टीशन है, और पीछे टाइल्स नीचे टाइल्स है, साइड पर सारा पार्टीशन मार्बल्स का है, टोटल किचन हमारी इनोटेक रहती है, ये देखिए टोटल सॉफ्ट फ्लोर है, इनोटेक किचन है हमारी, आपको देख सकते हैं इसमें, इसमें गंदगी रहती है हमारी आपको देख रहे हैं इसमें। इसके साथ यहाँ पर भी देखेंगे पूरा मार्बल, नीचे टाइल्स साइड पीछे टाइल्स है, यहाँ हमारा छोटा मोटा सामान आ जाएगा, यहाँ पर भी आप रख सकते हैं ड्रम वगैरह अपना जैसे आप रखना चाहें इसी में रखें। और ऊपर की सेल्फ देखें ग्रे कलर की सेल्फ है, कितनी बढ़िया सेल्फ लग रही है, ये हमारा हॉब आ गया, और ये चिमनी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, आप फुल फर्निश लें या सेमी फर्निश लें, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री ही रहेगी आपको। इसके साथ ऊपर की स्टोरेज दिखाती है माइक्रोवेव वाले, उसके ऊपर देखें रूफ टॉप तक की किचन है पूरी, और इसके साथ देखेंगे गोल्ड कलर के ग्लास के गोल्ड कलर के फ्रेम के, कितना बढ़िया लग रहा है उस बॉर्ड में, कितनी अच्छी लग रही है। और बंद कर देते हैं यहाँ से, आगे भी किचन दिखानी है आपको, पूरी स्टोरेज दिखाएंगे रूफ टॉप तक की, कितनी बढ़िया स्टोरेज आपको कहेंगे, स्टोरेज तो सुमित प्रॉपर्टीज वाले ही देते हैं और कोई नहीं देता। इसके साथ ये हमारी डबल सिंक आ गई, ये आर ओ का पॉइंट आ गया, टैल इसकी हमारी इसमें आ जाएंगी,
ऊपर ये हमारी जी टी बी टी आ गई, जिसमें आप बर्तन धो के रख सकते हैं, उसका पानी सीधा नीचे नहीं आएगा, इस ट्रे में आएगा। ट्रे निकाल के साफ की, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर वापसी करा दी। ऊपर भी इसके स्पेस दिया हुआ है, और यहाँ देखें ग्रे कलर के टाइल्स है, कितनी बढ़िया टाइल्स लग रही है, आपको देख सकते हैं, और कितनी बढ़िया ऊपर की सीलिंग है यहाँ की, देखेंगे कितनी बढ़िया लग रही होगी आपको, और लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही होगी। लेकिन नीचे लाइट फिर कम होती है, क्योंकि हम खड़े होते हमारी परछाई आती है, जैसे कि आ रही आप देख रहे हैं, इसलिए हम नीचे भी लाइट्स देते हैं कि यहाँ पर आप वर्क कर रहे हो तो नीचे अंधेरा ना लगे, सब्जी साफ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो आपको अंधेरा इसमें नहीं लगे, इसलिए हम यहाँ पर भी नीचे भी लाइट देते हैं। अब लेके चलते हैं आपको अपने थर्ड बेडरूम, लास्ट बेडरूम। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और दिखा दें आपको, हमारे सारे बेडरूम सेपरेट्स हैं, और लुक देखेंगे कितनी बढ़िया आती है। ये देखिए हमारा बेडरूम है, ये हमारा वॉशरूम का कॉमन, इसके साथ बिल्कुल सेपरेट है फर्स्ट बेडरूम वॉशरूम और सेकंड बेडरूम। अब लेके चलते हैं आपको थर्ड बेडरूम में, बिल्कुल देख सकते हैं कितना बढ़िया सेपरेशन है इसका, डोर देखेंगे कितना बढ़िया, चौखट देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, कितना बढ़िया व्यू आ रहा होगा। अब चलते हैं बेडरूम में, इस बेडरूम में आ चुके हैं, बेडरूम स्पेस देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा बेड आ जाएगा, दोनों साइडों में स्टार्टिंग पॉइंट से रखे हैं, ए सी का पॉइंट यहाँ दे रखा है, आप खुद देख सकते हैं, और नीचे की फ्लोरिंग देखेंगे वुडन लुक टाइल्स हैं, जो कि कभी खराब नहीं होती, वॉशेबल टाइल्स हैं। और इसके साथ ही आगे हमारी पूरी वॉर्डरोब देखिए, रूफटॉप तक की वॉर्डरोब है, पर स्पेस दिया हुआ, सेंटर में हैंगिंग रॉड है जिसमें क्लोज में हैंगिंग कर सकते हैं, इसमें लॉकर दिया हुआ जिसमें छोटा मोटा कीमती सामान रख सकते हैं, नीचे भी स्पेस है, बंद करके आपको दिखाते हैं लोग कितनी प्यारी लुक आ रही है रूफटॉप तक। और उसके नीचे देखेंगे हमारा शू रैक आ गया, देख सकते हैं अंदर सारा माइका लगा, चाहे शू रैक क्यों ना हो, और बिल्कुल बेड के सामने देखेंगे तो हमारा एलईडी पैनल है, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया एलईडी पैनल है, बीच में गोल्डन कलर की पट्टियाँ दी गई है, व्हाइट कलर का साथ में गोल्डन पट्टियां, साइड पे लाइट्स आ गई, नीचे चाहे यहाँ दोनों तरफ डेकोर के आइटम्स रख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एलईडी आ जाएगा, ये उसका सॉकेट, नीचे डबल सॉकेट दिया हुआ, केबल का पॉइंट भी दिया हुआ है, इसमें टाटा स्काई है, सेटअप बॉक्स लगा सकते हैं, सेकंड में आप वाईफाई या होम सेट जैसे आपने यूज में लेना हो, नहीं तो नीचे छोटे मोटे सामान रिमोट वगैरह रखना चाहिए इसमें रख सकते हैं, देख सकते हैं स्पेस कितना डीप करके दिया हुआ है। इसके साथ ही हमारा अभी एलईडी पैनल लुकिंग मिरर देख सकते हैं, बाहर कितना बढ़िया लुकिंग मिरर है, इसके साथ ही अंदर की स्टोरेज देखेंगे कितनी बढ़िया स्टोरेज है आप कहेंगे, और फॉल सीलिंग देखेंगे इसकी तो कितनी बढ़िया फॉल सीलिंग आपको देंगे, कि फॉल सीलिंग में मजा आ गया, देख के डिजाइन देख सकते हैं, सेंटर व्हाइट का फैन देख सकते हैं, लाइट्स देख सकते हैं। इसके साथ ही दिखाते हैं बालकनी, ये देख सकते हैं टफल वाला डोर है, पूरा यूपीवीसी का साउंड प्रूफ डोर है, और यहाँ से खोलते हैं, और ये आगे हमारा जाली का, जैसे कि वेंटिलेशन के लिए आपको चाहिए हो, जैसे कि जो हमने पहली बालकनी दिखाई थी आपको, आता पूरी नहीं दिखाई, ये बाकी की पूरी बालकनी दिखा रहे हैं, साइड फ्रंट की रेलिंग देखेंगे कितनी बढ़िया, डिजाइन देखेंगे रेलिंग का कितना बढ़िया, नीचे बाहर बालकनी शाम के टाइम कॉफ़ी टेबल लगा के बैठ सकते हैं, इतनी वो स्पेस दिया हुआ है हमने कि आपको लुक आए, बाहर की रोड देखें कितनी बढ़िया रोड है, कितना बढ़िया लग रहा होगा आपको। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने बेडरूम में वापसी। आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और पता नहीं तरीका हमारा कैसा लगता है, हमारे फ्लैट कैसे लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और सबसे पहले तो आप कर दें हमारी वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे ऑल पे प्रेस करके सारे नोटिफिकेशन ले लें, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो देख के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लो लेवल प्रॉपर्टीज आप परचेज कर सकें, जो भी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, नहीं तो हमें सुनकर कॉल करके बता सकते हैं 9891556069, तो विजिट कर सकते हैं सुमित प्रॉपर्टीज 8011 तिलक नगर न्यू दिल्ली 18 नियर हल्दीराम, हल्दीराम 4 बिल्डिंग छोड़ के 5th बिल्डिंग ऑफिस है, वहाँ के विजिट कर सकते हैं, फ्लैट देख सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। थैंक्स फ्रॉम सुमित प्रॉपर्टीज।